आज की वीडियो में हम जीरो बजट गणपति डेकोरेशन आइडिया देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक वेलवेट का क्लॉथ लिया है जिसको टेबल क्लॉथ की तरह यूज़ करेंगे। अब आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है उनको एक के ऊपर एक रखकर कुछ स्टेप्स बनाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 स्टेप्स बनाई हैं। अब मैं और एक वेलवेट का क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ, इसको इन स्टेप्स पर अच्छे से अरेंज करेंगे। इसकी जगह पर आप कॉटन का क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं। इस क्लॉथ की लेंथ 2 मीटर है तो ज़्यादा बड़े क्लॉथ की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कुछ मोतियों के माला है, इनको मैं डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने वाइट एंड गोल्डन दोनों कलर की मालाएँ यूज़ की है। मोतियों की माला यूज़ करने से हमारे स्टेप्स क्लियर दिखेंगे और वेलवेट का क्लॉथ भी अच्छे से सेट होगा। गणपति जी के लिए हम घर में अवेलेबल चीज़ों से ही बहुत सुंदर सा डेकोरेशन बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। अब मैं टेबल पर भी कुछ मालाएँ अरेंज कर रही हूँ। टेबल के पीछे मैंने एक नेट का कर्टन हैंग किया है। वैसे तो ये ऑप्शनल है बट इसकी वजह से डेकोरेशन का लुक उभर कर आएगा। मेरे पास कुछ फैब्रिक पैचेस है जो साड़ी या ब्लाउज में लगाने के लिए यूज़ होते हैं, तो मैंने इनको भी यूज़ किया है और ये अगरबत्ती का स्टैंड भी इसके ऊपर रख दिया। अब टेबल को थोड़ा फेस्टिवल लुक देने के लिए ये गोंडे वाली लेस लगाएंगे। मैंने एक हैंडमेड वूलन का वॉल पीस पीछे रखा है और हैंडमेड डोर हैंगिंग्स को कर्टेन के दोनों साइड में हैंग किया है। कुछ और डेकोरेशंस ऐड करने के बाद हमारा एंड रिजल्ट ऐसा दिख रहा है। फ्रेंड्स, बहुत ही कम चीज़ों में और सिर्फ 15 मिनट में सारा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया। आपको ये डेकोरेशन का आइडिया कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन टू बी नोटिफाइड एज सून एज आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।